तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्पीड पाठशाला। आज हम 2023 की चर्चित को लेकर आपके सामने आए हुए हैं। जो हमारा जो विज्ञान यूपी हमारा कैंडिडेट है कैमिली तथा यूपी की एग्जाम प्रिपरेशन तथा यूपी बीएड और अदर कंपटीशन में हमारे काम आएंगे। देखिए पहला कथन शिवा चौहान की राजस्थान के गाने हैं। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार पाठशाला। आज हम 2023 की चर्चित व्यक्ति को लेकर आपके सामने आए हुए हैं। जो हमारा जो एग्जाम यूपी पीईटी तथा यूपी एचई असिस्टेंट प्रोफेसर तथा यूपी बीएड और अदर कंपटीशन में हमारे काम आएंगे। देखिए पहला जो हमारा चर्चित व्यक्ति हैं कैप्टन शिवा चौहान, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। सवाल पूछेगा कि पहली महिला अधिकारी जो युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया उनका क्या नाम है, तो कैप्टन शिवा चौहान कहाँ की रहने वाली, राजस्थान की। दूसरा हमारा जो है निखत जरीन, यह हैदराबाद स्थित नवरत्न खनन कंपनी NMDC लिमिटेड ने विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर तुमसे पूछ लेते हुए कि NMDC ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है तो हम बताएंगे निखत जरीन को। अगला जो हमारा है बेरिंडा क्लार्क, पूर्व महिला कप्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के, इन्होंने अपनी ही कांसे मूर्ति का अनावरण किया है। विश्व की मात्र एक पहली महिला खिलाड़ी जो है जिन्होंने अपनी कांसे मूर्ति का अनावरण किया उनका क्या नाम है, बेरिंडा क्लार्क, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। रियाना बरनावी, जून 2023 में अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली रियाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई। पूछ सकता है तुमसे कि पहली सऊदी की पहली महिला यात्री कौन बनी, तो हम बताएंगे रियाना बरनावी, जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के रूप में पहला अपना योगदान दिया है। अगला जो हमारा है जैसिंडा आर्डन, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन ने हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगला जो हमारा है नताशा पेरियाना यागमा, ये विश्व के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में नामित किया गया है। स्टैचू ऑफ सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का 24 अप्रैल 2023 को 50वें जन्मदिन पर मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में स्टैचू लगाया गया है। अगला जो हमारा है विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट विराट कोहली को लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। पूछ सकता है सवाल कि लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हमारा जवाब होगा विराट कोहली। रानी रामपाल के हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर भारतीय टीम ने रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कर दिया गया है। पूछा जाए किस जगह का हॉकी स्टेडियम के नाम बदलकर रानी रामपाल कर दिया गया, तो हमारा जवाब होगा रायबरेली। अगला जो है गीता राणा, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा बनी हुई है। अगर सवाल ये पूछ सकता है कि लद्दाख की पहली महिला सेना अधिकारी कौन है, तो हम बताएंगे गीता राणा। IBA का ब्रांड एम्बेसडर, महिंद्रा को भारतीय मुक्केबाज महासंघ ने IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2023 प्रतियोगिता का टाइटल प्रायोजक बनाया गया है।